हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सोया चंक कबाब बनाऊंगी। उसके लिए पहले हम पैन में पानी गरम करेंगे और उसमें 2 कप सोया चंक और नमक डालेंगे और अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद इसे ठंडे पानी से 3-4 बार धो लेंगे और इसका पानी निचोड़ कर इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। कुछ इस तरह की होनी चाहिए, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। इसे एक बाउल में निकाल लें और इसमें प्याज बारीक कटा, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता डालें और अच्छी तरह से इसे मिला लें। इसमें गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब 3 चम्मच इसमें रोस्टेड बेसन डालेंगे। इसे कबाब को बाइंड करने में इजी होता है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। आधा नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे रोल करके इसे अच्छी तरह से शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इसे गरम करेंगे और इसे सारे कबाब को इस पर मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेंगे। इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हमारा कबाब बनकर तैयार हो चुका है। सोया और बेसन दोनों में ही बहुत प्रोटीन है, तो यह काफ़ी हेल्दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।